उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 150 किलो का फर्जी इंस्पेक्टर सुर्खियां बटोर रहा है। वर्दी का रौब झाड़ते हुए लोगों से वसूली करना, डराना धमकाना इसके मुख्य काम थे। दरअसल फिरोजाबाद पुलिस के पास कई दिनों से इस इंस्पेक्टर की शिकायतें आ रही थी। वहीं जब पुलिस ने मामले की जांच की तो सबके होश फाख्ता हो गए। ये जनाब कोई असली इंस्पेक्टर नहीं बल्कि फर्जी इंस्पेक्टर निकले, जो वर्दी पहनकर लोगों से अवैध वसूली किया करता था। आरोपी युवक की उम्र करीब 23 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद पुलिस के पास बीते कुछ दिनों से एक पुलिसकर्मी की ओर से वसूली किए जाने की सूचना आ रही थी। बताया जा रहा था कि ताज एक्सप्रेसवे से उतरते ही जिले में नेशनल हाईवे पर एक इंस्पेक्टर जॉब दिखाकर बस और ट्रक ड्राइवर से वसूली करता है। टोंडला पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वाहनों से अवैध वसूली करने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम मुकेश यादव है, जो इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर नेशनल हाईवे पर वाहन सवारों को डरा धमका कर उनसे अवैध वसूली करता था। जबकि दूसरी ओर आरोपी का कहना है कि वो टोल टैक्स से बचने के लिए वर्दी पहनता था। वही जांच में ये सामने आया है कि आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है। उसके पास से 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और पुलिस की वर्दी, फर्जी आई कार्ड, एटीएम आदि कागजातों के अलावा एक वैगनार कार भी बरामद की गई है। तुम्हारा मुकेश यादव, कहाँ के रहने वाले हो तुम? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हो? इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं हुए। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। क्या करते हो, कार क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? टोल टैक्स के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए जी। तुम्हें नहीं पता है कि क्या होती है इंस्पेक्टर वगैरह की पद वगैरह? तुम्हें नहीं पता कैसे भर्ती होते हैं पुलिस में? नहीं पता था। तो वैसे ही बन गए फिर तुम पुलिस वाले? क्यों बन गए? टोल टैक्स बचाने के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए बन गए? ठीक। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस फर्जी इंस्पेक्टर के कारनामे पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर पर। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।